चलिए फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण देखते हैं। उससे पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट साथ में डेली एग्जाम के एनालिसिस लेकर हम आपके लिए आ रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न आज के एग्जाम में पूछा गया है। पहला प्रश्न था कि पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है। कितना परसेंट है? 78% है। अगला क्वेश्चन था कि इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन था कि यह ग्रीन हाउस गैस के लिए महत्वपूर्ण गैस मानी जाती है। तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के लिए क्या मानी जाती है? महत्वपूर्ण गैस मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या यह वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है? तो ठोस अपशिष्ट क्या हो जाएगा? इसका आंसर था ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट था कि मनुष्य में रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज लैंड एस्टिनर ने की थी। किसने? लैंड एस्टिनर। अगला जो क्वेश्चन था, प्याज आलू और अदरक है तो ये क्या है? तना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता का रिकॉर्ड करने का यंत्र कौन सा है? तो ये है भूकंप सूचक यंत्र। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो ये बुध ग्रह है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि कौन सा ऑटोमोबाइल ईंधन पर्यावरण अनुकूल माना जाता है? तो ये CNG जो है पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। नेक्स्ट था कि महासागरों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट था कि प्लेग एक है, तो प्लेग जीवाणु से होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन था कि मिनी माता रोग एक प्रदूषण जनित रोग है जिसका परिणाम है औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ये डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट था कि बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी कौन सा है? तो वो पेंगुइन है, पेंगुइन बर्फ पर अंडे देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि खाद्य श्रृंखला में विषैले रसायन की बढ़ती सांद्रता को क्या कहा जाता है? इसे जैव आवर्धन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होती है? तो आपका इसमें ऑप्शन जो था वो आप कमेंट करके बताइए क्या ऑप्शन था, हमारे पास ऑप्शन नहीं मिला। अगला था कि विद्युत का सुचालक कौन सा है? तो तांबा विद्युत का सुचालक है, ये ऑप्शन था। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन किससे लेपित होती है? तो ये टेफ्लॉन से क्या होती है? लेपित होती है। अगला क्वेश्चन था कि वह अक्रिय गैस जो गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली हवा में नाइट्रोजन के स्थान पर पाई जाती है, तो हीलियम गैस है। नेक्स्ट था कि बरसात के मौसम में दरवाजे किसके कारण फूल जाते हैं? तो अंत शोषण के कारण। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मानव शरीर के रक्त शरीर के सभी भागों में किसकी आपूर्ति करता है? तो ऑक्सीजन की। नेक्स्ट था कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड। मानव शरीर का कौन सा भाग पाचन के दौरान कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है? तो ये अग्नाशय है। नेक्स्ट था कि बागवानी के लिए किस प्रकार का उर्वरक उपयोगी है? तो कृमि खाद। नेक्स्ट है कि जब कोई जीव अपने सहयोगी साथी के बिना अक्षर को हानि पहुंचाए लाभ उठाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे सहजीवन कहा जाता है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और नेक्स्ट है कि बुखार नियंत्रण में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली दवा का नाम बताइए, तो वह है पैरासीटामोल। ये फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न था। अभी फर्स्ट शिफ्ट का कुछ और प्रश्न है जो हमारे पास बाद में आया, और सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को देखते हैं। अगला क्वेश्चन था कि शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है अशोक चक्र। कौन सा है? अशोक चक्र। ये कई शिफ्टों में रिपीट हुआ है इस बार प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है? नरेंद्र दत्त। क्या है? नरेंद्र दत्त, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ पर, कलकत्ता में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरके में भी क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कई शिफ्टों में यह प्रश्न इस बार रिपीट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथी सदी ईसा पूर्व से पहले मगध की राजधानी कौन सी थी, तो मगध की राजधानी थी कौन, राजगृह। कौन सी थी, राजगृह। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा करवाया था, तो कुतुब मीनार का जो पूरा करवाने का काम किया था वो किया था इल्तुतमिश। किसने किया था, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था, तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था, तक्षशिला भेजा था। कहाँ भेजा था, तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सम्राट का नाम देवनाम प्रियदर्शी था, तो आपको बता दें कि अशोक महान का नाम क्या था, देवनाम प्रियदर्शी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ, तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ, 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग है, तो वह कौन सा, रिकेट्स। कौन सा रोग है, रिकेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सा है, तो स्टेप्स है, स्टेपी, जो कान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायोड का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो डायोड परिशोधन में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न आया था वो देख लीजिए कि प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है, तो वो है वर्षा का जल। कौन सा हो जाएगा, वर्षा का जल। नेक्स्ट है कि यूडियोमीटर किसका मापन करता है, तो ये गैस के आयतन का मापन करता है, कौन, यूडियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो ये यकृत है। कौन सा है, यकृत। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है, ये होती है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। किसके, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है, ये होता है कैरोटीन के कारण। किसके कारण, कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव जाति वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका अध्ययन क्षेत्र है क्या, जनजातियाँ। क्या है, जनजातियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 में घटी थी, तो 1919 में घटी थी जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो अमृतसर में घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो वो थे एनी बेसेंट। कौन थे, एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया, तो चंद्रगुप्त के जो उत्तराधिकारी था वो कौन था, बिंदुसार था। कौन था, बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुसार किस संप्रदाय के अनुयायी था, तो आजीवक संप्रदाय के क्या था, अनुयायी था। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया, ये बताया सबसे पहले कॉपरनिकस ने। किसने बताया था, कॉपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदय शंकर किससे संबंधित है, तो उदय शंकर का संबंध नृत्य से है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा, तो ये लिखा था किसने, बंकिम चंद चटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है, ये राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। किससे, राष्ट्रपति के अध्यादेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था, तो 69 में संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया, 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति का संपूर्ण क्षेत्र कैसा है, तो है त्रिभुजाकार। कैसा है, त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश के हैं, ये दोनों हर्यक वंश के हैं। गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है, तो इस गुलबदन बेगम द्वारा क्या लिखी गई, हुमायूंनामा। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी पर प्रदान की थी, तो डुप्ले को। किसे किया था, डुप्ले को।
अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट, लगभग 16 सेकेंड। अगला क्वेश्चन था कि पृथ्वी की रक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो ओजोन के परत को पृथ्वी के रक्षा कवच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, संयुक्त राष्ट्र संघ यूनियो की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थाई सदस्य हैं? उसमें कुल 5 क्या हैं, अस्थाई सदस्य हैं। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान का शासक था। कहाँ का था? अफगानिस्तान का शासक था। अगला क्वेश्चन था, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो बाजीराव पेशवा की प्रेयसी कौन थी? मस्तानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार अशोक चक्र है। अगला था कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये हरियाणा में क्या है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं? ये रोम को कहा जाता है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक है? उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? पारा है। अगला क्वेश्चन था, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो आइजक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। हाइड्रोजन बम किसने बनाया था? तो हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर ने बनाया था। अगला क्वेश्चन था, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा रचना किसकी है? तो यह है श्याम लाल की। किसकी है? श्याम लाल की। अगला क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो पीलिया लीवर को प्रभावित करता है। जहांगीर ने किस खान की उपाधि दी थी? तो हॉकिंस को जहांगीर ने किसकी उपाधि दी थी? खान की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है कि पुरुषपुर किसके प्राचीन नाम था? तो पेशावर का नाम प्राचीन नाम क्या था? पुरुषपुर था। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु।